इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश भर में मुस्लिम समाज द्वारा भव्य आयोजन कर खुशियां मनाई जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में जुलूस ए मोहम्मदी का नजारा देखते ही बना। आपको बता दें, इस्लाम धर्म के संस्थापक और मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब की योम विलादत यानी जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दुर्ग भिलाई शहर में मुस्लिम समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के पुरुष व बच्चे शामिल हुए। इस दौरान सभी के हाथों में इस्लामिक झंडा लहराता नजर आया। गौरतलब है कि ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर दुर्ग शहर की जामा मस्जिद में भव्य जुलूस निकाला गया, जहां शहर के सभी मस्जिदों के इमाम की अगुवाई में शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान ये जुलूस दुर्ग के जामा मस्जिद से निकलकर इंदिरा मार्केट, मान होटल चौक, लुचकी पारा होते हुए तकिया पारा पहुंचा, जहां जुलूस का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान बाहर से आए मेहमान ने खुसूसी द्वारा सलातो सलाम पेश कर देश दुनिया की भलाई के लिए दुआएं की गई। जुलूस स्टेशन पर होता हुआ पुराना बस स्टैंड पहुंचा, जहां स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में सलात व सलाम पेश किया और देश और दुनिया में शांति, अमन, भाईचारा की दुआएं मांगी। शहर में जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया, साथ ही विभिन्न पकवानों और शरबत का जुलूस में शामिल लोगों को वितरण भी किया गया। इस संबंध में समाज के वरिष्ठों ने प्रतिक्रिया दी। ईद जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर हमारे हुजूर के यौम पैदाइश के आज मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी निकला हुआ है और ये दुर्ग शहर सद्भावना, भाईचारा, एकता के नाम से पहचाना जाता है। इस जुलूस में विभिन्न सभी धर्म समुदाय के लोग स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम हुजूर की सुन्नत पर चलें और अमल करें और मानवता, भाईचारा का संदेश दे, यही हमारी पहचान है और यही हमारे हुजूर के प्रति एक लगाव है और उनके सुन्नत पर हम चलें। अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा। हमारे जुलूस मोहम्मदी कहते हैं इसको। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम सब मुसलमान फॉलोअर हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनके आमद की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस का मकसद भी है कि अमन और भाईचारे का पैगाम देना। और इस तरीके से यहाँ दुर्ग शहर में 5 मस्जिदों के जो इमाम हैं उनकी कयादत में ये जुलूस निकाला गया है और जामा मस्जिद दुर्ग से निकलते हुए जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फिर मगरिब के वक्त में शाम को नमाज के वक्त जामा मस्जिद दुर्ग में ही ये ख़त्म होगा। और यहाँ पर जो सर्व समाज के लोगों ने जिस तरीके से इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है, शरबत पिलाया है, पानी पिलाया है, कुछ पुलाव वगैरह बांटे हैं, तो इस तरीके का ये जुलूस कई सालों से जुलूस मोहम्मदी के तौर पे मनाया जा रहा है और ये सारे मुसलमान जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें हम एक पैगाम देते हैं कि हम सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के लोग जो हैं एक है और हमको अमन के रास्ते पर चलते हुए क्या बोलते हैं, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करते हुए इस तरीके से आपसी सद्भाव बना के काम करना चाहिए और यही मैसेज इस जुलूस के माध्यम से भी दिया जा रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।